हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आपके लिए आया हूं। ये टॉपिक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजेबल रहा, हमेशा डाउट रहते हैं बच्चों के कि इसमें बहुत सारे रूल्स यूज होते हैं और वो रूल्स कई बार गड़बड़ होने लगते हैं। किंतु मैं इस टॉपिक को आपको इस तरह से समझाऊंगा कि मैं समझता हूं कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आप ये टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं और सिस्टमैटिक चलते हैं मेरे अनुसार, तो मैं समझता हूं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रह जाएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ये टॉपिक केमिस्ट्री में भी मिलता है, फिजिक्स में भी मिलता है, इसलिए इसे अच्छे से समझें आप और बढ़िया ढंग से इसके सारे रूल्स आप लिखते चलें, फिर देखना आपका एक भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो देखो, ये हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या है? देखो, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है या कोई भी प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रयोग होता है, उसमें जो रिजल्ट्स आते हैं, जो न्यूमेरिकल रिजल्ट्स आते हैं, संख्यात्मक मान आते हैं, उस संख्या में जो डिजिट है वो डिजिट कितनी एक्यूरेसी बताते हैं रिजल्ट की, उसी एक्यूरेसी से रिलेटेड है सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम कोई भी रिजल्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें दो डिजिट, थ्री डिजिट्स और भी ज्यादा डिजिट्स होते हैं, और इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जितने ज्यादा आपको जो डिजिट आते हैं, अर्थात दशमलव बिंदु के बाद जितने ज्यादा अंक आते हैं, हम कहते हैं कि वो हमारा रिजल्ट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट। तो किसी भी रिजल्ट के जो लास्ट डिजिट को छोड़ दें, बिल्कुल लास्ट का डिजिट है उसको छोड़ दें, तो बाकी जो डिजिट बचते हैं उनको बोला जाता है सर्टेन डिजिट, निश्चित अंक। और जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो थोड़ा सा डाउटफुल होता है, उसको बोला जाता है अनसर्टेन डिजिट। मतलब क्या है कि जैसे मान लो 15.067 लिखा है, तो इस डिजिट में अगर आप देखें, इस नंबर में, तो 1506, ये तक कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, अर्थात कोई अनिश्चितता नहीं है, क्योंकि ये डिजिट फिक्स है। लेकिन जो 7 वाला डिजिट है वो थोड़ा सा अनसर्टेन हो सकता है। मतलब मान लो आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और उसमें आपको रिजल्ट मान लो कितना आ गया, 6 आ गया, 1506 आ गया, किसी का मान लो इसी में 8 आ गया, तो जो लास्ट डिजिट होता है वो हो सकता है कि चेंज हो जाए। तो इस तरह से इसी सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट का जो सम है वही है सिग्निफिकेंट फिगर। अर्थात सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि डिजिट इन नंबर विच इज सम ऑफ सर्टेन डिजिट्स एंड वन ऑफ द अनसर्टेन डिजिट और डाउटफुल डिजिट। अर्थात किसी संख्या में निश्चित अंकों और एक अनिश्चित अंक का जो योग है उसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। अर्थात किसी भी संख्या के जो निश्चित अंक है और अनिश्चित एक जो अंक है उसका योग ही क्या है बच्चों, सार्थक अंक। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर गिव्स एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, बिकॉज ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हायर विल बी द एक्यूरेसी इन द रिजल्ट। अर्थात जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे किसी परिणाम में, उस परिणाम की सार्थकता उतनी ज्यादा होगी। तो देखें हम, तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ, सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट, ये हमेशा मान लेते हैं, तो अनसर्टेन डिजिट। तो इस तरह से सार्थक अंक निश्चित अंक और अनिश्चित अंक अर्थात संदेहप्रद अंक का योग है। तो जैसे हम इसी को कहें तो 15.067, तो ये चार जो अंक नंबर दिख रहे हैं आपको, डिजिट दिख रहे हैं, ये निश्चित अंक है, ये अनसर्टेन डिजिट है। क्यों? क्योंकि है भी
कह सकते हैं प्लस वन प्लस माइनस पॉइंट वन अनसर्टाइनिटी, अर्थात प्लस माइनस पॉइंट वन की अनिश्चितता हो सकती है। तो इस तरह से ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज भी हो सकती है किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में। तो इस तरह से हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे इसके हम कहेंगे कि सर्टेन डिजिट अर्थात ये चार जो है और वन जो अनसर्टेन डिजिट है अर्थात डाउटफुल डिजिट है ये वन है, तो टोटल कितने हो गए फाइव। तो इस तरह से इसमें टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों वो कितने हो गए फाइव। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर किसी रिजल्ट की एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर्स हैं जो कि उसमें जो सर्टेन डिजिट है और एक जो डाउटफुल डिजिट है उनका सम है। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अब हम आएंगे कि किसी भी नंबर में कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले आप इसको नोट कर लें। तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन बताई। अब मैं रूल्स बताता हूं कि आप सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं किसी नंबर में। तो देखो फर्स्ट रूल है कि ऑन नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी अशून्य अंक हैं आर सिग्निफिकेंट, वो सब सार्थक होते हैं। जैसे लिखा है 2.3135, तो इसमें आप देख रहे हैं सारे अशून्य अंक हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसके 5। मतलब सभी अशून्य अंक ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, और या कहें कि इज सिग्निफिकेंट। मतलब है कि दो अशून्य अंकों के बीच का शून्य या शून्य एक से ज्यादा हो तभी वो सभी जो है क्या होंगे, सार्थक होंगे। मतलब जीरोस आर प्रेजेंट बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, अशून्य अंकों के मध्य के शून्य सार्थक होंगे। जैसे 2.056, एक जीरो है तो कुल सार्थक अंक हो गए 1, 2, 3, 4, अर्थात सिग्निफिकेंट 4 हो गए ये हैं। इसी तरह इसमें 2 जीरोस हैं 2.002, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 4। फिर आता है कि जीरो विच इज प्रेजेंट द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आल्सो सिग्निफिकेंट, अर्थात किसी दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर अगर शून्य है तो वो सार्थक होगा। मतलब है कि ऑल जीरोस इन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, जैसे 4.00, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3। इसी प्रकार 56.00, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बच्चों 4। फिर इसके बाद आता है कि अगर किसी भी नॉन जीरो डिजिट के पहले कोई जीरो है और उससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो वो जीरो सार्थक नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अर्थात ऑल द जीरोस आर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अर्थात किसी भी अशून्य अंक के पहले अगर जीरो लगा है तो वो सार्थक नहीं होगा। जैसे कि 0.02 में केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है या 0.002 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरह से पहले आप इन रूल्स को समझें कि सभी अशून्य अंक नॉन जीरो डिजिट जो है सार्थक होते हैं, पहली बात। दूसरा है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में शून्य आ जाए तो वो सार्थक होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अगर जीरो किसी डेसिमल पॉइंट दशमलव बिंदु के बाद है, मतलब ये अर्थ है इसका कि दशमलव के बाद के शून्य सार्थक होंगे, ओके। फिर ये लिखा है कि अशून्य अंक के पहले या बाईं ओर जो शून्य होते हैं सार्थक नहीं होंगे। समझ गए ना बच्चों कि अगर किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो लगाए गए हैं और उसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो वो क्या नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे इसमें केवल दो ही सिग्निफिकेंट होगा, अर्थात इसमें एक सिग्निफिकेंट नंबर है और इसमें भी वन है, तो पहले आप ये नोट कर लें। अब और आगे देखेंगे रूल्स, अगर हमने देखा और नेक्स्ट देखो। अब अगला है कि एग्जैक्ट नंबर have infinite number of significant figures। अगर कोई संख्या बिल्कुल सटीक है,
अब आप कैसे पहचाने कि वो एग्जैक्ट नंबर है? तो ध्यान रखें, इनमें डेसिमल पॉइंट की जरूरत नहीं होती और ना ही लग सकता। जैसे टू बॉल्स, टू पर्संस, टू पेन्स, तो इनमें टू के बाद कोई डेसिमल पॉइंट तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकते हैं? मतलब 2.5 तो नहीं लिख सकते? या कहें कि जो बिल्कुल फिक्स हैं, जिनमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं बनती, जिनमें कोई चेंज हम नहीं लिख सकते, उनको बोलते हैं सटीक नंबर। ऐसे सटीक नंबर जो एग्जैक्ट नंबर हैं, उनमें इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, अर्थात ऐसी संख्या में अनंत सार्थक अंक होंगे। देखो कैसे, जैसे टू बॉल्स हैं या थ्री पेन्स, तो टू बॉल्स तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1। फिर है कि हम इसी को लिख सकते हैं 2.0, इसके आगे मतलब नॉन जीरो डिजिट तो नहीं लगा सकते, लेकिन जीरो लगा सकते हैं पॉइंट के बाद। तो अब आप यहां देखते हैं कि पॉइंट के बाद का जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में आता है, तो इसका मतलब इसमें कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? 2। अब 2.00 लिख दें तो कितने हो गए? 3। 2.000 बढ़ाते जाए जीरो, तो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते जाएंगे। बस इसमें नॉन जीरो डिजिट नहीं लगेगा, बाकी पॉइंट के बाद जीरो लगा के हम इसके क्या है सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ाते जा सकते हैं। तो इस तरह से इन्फिनिट नंबर में बन जाएंगे, अनंत संख्या में बन जाते हैं। तो इस तरह से एक सटीक नंबर आप ऐसे पहचाने जिसमें आपको पॉइंट के बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं लगा सकते, डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, फिर आता है कि इफ एनी नंबर एंड इन जीरो एंड जीरो इज नॉट प्रेजेंट राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, तो सच जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अर्थात कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है और वो शून्य किसी दशमलव के दाहिनी ओर नहीं है, तो ऐसा जीरो क्या नहीं हो सकता है? सार्थक भी हो सकता है और नहीं भी। इस एम्बिग्यूटी को कैन बी रिमूव्ड बाय यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, अर्थात इस विषमता को या हम कहें कि संदेह को हम एक एक्सपोनेंशियल घातांक रूल से हटा सकते हैं। इन विच एनी नंबर एक्सप्रेस्ड इन n into 10 to the power n, where n ये क्या आता है डिजिट टर्म और n क्या है एक्सपोनेंट। अर्थात ऐसी विषमता या ऐसी स्थिति बन जाए कब हम शून्य को सार्थक माने ना माने, अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त होती है और उसमें कोई दशमलव नहीं लगा, तब आपको ये रूल यूज करना है n into 10 to the power n। ये एक एक्सपोनेंट या साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। अब मैं बताता हूं आपको कि n क्या है और n क्या है और इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो पहले आप ये रूल लिखें, फिर इसके आगे मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं n into 10 to the power n। यहां n सिग्निफिकेंट होगा, अर्थात इसमें जितने भी नंबर या डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे, किंतु ये जो पावर लगी है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अब मान लिया जाए कि कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि जो पहले बता दूं कि n कैसे लिखेंगे, तो n may be 1.00 to 9.990 means यहां n हम लिख सकते हैं 1.5, 2.5, 3.5, मतलब पॉइंट या डेसिमल पॉइंट के पहले केवल एक नॉन जीरो डिजिट होगा तभी n इस तरह से। और इसको ऐसा नहीं लिख सकते n को कि 22.6 या 350.6, फिर ये n फिक्स नहीं कहलाएगा। तो हमें क्या करना है, तो इस तरह से n की वैल्यू को अगर हमें कोई ऐसा नंबर दे रखा है जो 9.9 से ज्यादा है, मतलब हम ये कहें कि हमें जो नंबर है ठीक है वो 9.99 से ज्यादा है, तब ऐसे में क्या होगा, डेसिमल पॉइंट को तब तक लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करना है जब तक कि एक जो डेसिमल पॉइंट है उससे पहले ना रह जाए। अर्थात आपको इस नंबर में जो दशमलव बिंदु है तब तक शिफ्ट करोगे जब तक कि दशमलव अर्थात डेसिमल पॉइंट के पहले केवल एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए। यही लिखा हुआ है कि डेसिमल पॉइंट मूव्ड लेफ्ट अंटिल देयर इज ओनली वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। अर्थात n अगर नंबर है ये कि संख्या यदि जो आपको दी गई है वो इससे बड़ी है
तब आपको क्या करना है, दशमलव बिंदु को बाईं ओर खिसकाते जाना है, और तब तक एक जब तक कि दशमलव के पूर्ण केवल के पूर्ण जो है केवल क्या बचे, एक अशून्य अंक आ जाए। तब ऐसे में अगर आपने उस डेसिमल पॉइंट को मान लो एक्स तक शिफ्ट किया, एक्स पॉइंट तक, तो यहां पर जितना x पॉइंट शिफ्ट करोगे उतना ही स्मॉल n होगा। जैसे लिखा है 1385, तो आप इस पॉइंट को उठा के यहां लाए तो आप देखेंगे लेफ्ट में कितनी तरफ जा रहा है, कितने पॉइंट्स जा रहे हैं, 1, 2, 3 थ्री प्लेसेस तक आपने शिफ्ट किया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1.385565 और इनटू 10 टू द पावर कितना लिख देंगे 3। तो यहां पर ये जो है n वैल्यू हो गई और ये स्मॉल n। अब आपसे कहा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो निकले आप तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अर्थात इसमें आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 6। ऐसे ही लिखा है मान लो 6023, तो आपको मान लो मैंने आपको इसमें पॉइंट लगाया 6.023 × 10⁻³, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। ठीक इसी तरह से मान लिया जाए कि आपके पास, तो पहले आप ये नोट कर ले, हो गया। अब आपको ये कंफ्यूजन था कि जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा, अर्थात जैसे लिखा है 50 है ना, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1। अगर ध्यान रखें कि कोई भी नंबर जीरो पर फिनिश हो रहा है और उसमें कोई साइंटिफिक नोटेशन नहीं दिया गया, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा था, उसका कोई जो साइंटिफिक नोटेशन है वो नहीं है, उसमें कोई दशमलव नहीं है और नंबर जीरो पर एंड होता है, तो जितने जीरो राइट की ओर दिख रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं 50 तो केवल ये। लेकिन अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया 5 × 10⁻¹ और सॉरी तो इसको लिख दिया आपने 5.0 × 10⁻¹, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए आप, 2। तो यहां पर जीरो क्या हो गया, अब यहां पर सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक इसी तरह से मान लिखा है 500, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1, लेकिन आपने लिख दिया 5.00 × 10⁻², तो अब आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। तो ध्यान रखें कि जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन अगर आपने उसे साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया तो फिर वो जीरो साइन तो क्या है आपका, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई भी नंबर दे रखता है जिसमें नॉन जीरो, कोई भी नंबर ऐसा है जो जीरो पर फिनिश हो रहा है और उसमें कोई पॉइंट नहीं लगा, कोई सिग्निफिकेंट नोटेशन नहीं किया गया, तो ध्यान रखें आप उसमें केवल नॉन जीरो डिजिट को ही सिग्निफिकेंट मानेंगे, जीरो को नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने उसी में आपने डेसिमल पॉइंट लगा के साइंटिफिक नोटेशन में दे दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो जैसे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि उसमें 3 सिग्निफिकेंट नोटेशन हो गए। अब देखें तो यहां का एग्जांपल, अब अगर मान लिया जाए कोई नंबर जो है वो क्या है कि लेस देन 1.00, मतलब ऐसा कोई नंबर आता है जो 1 से भी छोटा है, तब आपको डेसिमल पॉइंट लेफ्ट ना करके क्या करना है, राइट, until there is only one non-zero digit before the decimal point. If decimal point moved x, then n is equal to minus x. मतलब है कि अगर कोई भी संख्या जो है आपके पास जो नंबर है, ठीक है, अगर वो less than 1.00 है तो दशमलव बिंदु को दाहिनी ओर ले जाओगे। कहाँ ले जाओगे आप? दाहिनी ओर खिसकाएं। और जब तक कि आपको डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता, तो इस तरह से फिर जो आपने जितने पॉइंट पर डिस्प्लेस किया आपने उस डेसिमल पॉइंट को, जितने बिंदु तक आपने खिसकाया, तो वही क्या होगा, एक्स तक खिसका दिया, तो अब यहां पर एन इक्वल टू माइनस क्या बन जाएगा, एक्स। देखो इसको एक एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लिया जाए आपको लिखा है 0.002, तो ये छोटा है 1 से, तो हम इसका डेसिमल पॉइंट यहां तक ले जाएं, तो हम लिखेंगे 2 × 10⁻³। क्यों? क्योंकि यहां पर जो x है वो कितना हो गया, 3, और आपके पास तो ये कुल मिला के 3 हुआ, तो n इज इक्वल टू माइनस x, मतलब कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से आपने 3 पॉइंट एक्सेप्ट कर दिया। मान लो लिखा 0.000625, तो अब आप इसको यहां तक लाना है, आपको डेसिमल पॉइंट वहां तक शिफ्ट करना है जब तक आपको एक डेसिमल पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट ना आए। तो आप लिख सकते हैं 6.25 और 1, 2, 3, 4 तक डिजिट को आपने शिफ्ट किया डेसिमल पॉइंट को, तो यहां कितना हो गया, -4।
तो यहां पर आप देखें कि यहां पर जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना आ गया 2 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3। तो इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर उसमें बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो इसके अगर मान लिया गया कि इसी को हम ऐसा लिख दें 6.250 × 10⁻⁴, तो अब आप बताएं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बच्चों 1, 2, 3, 4, तो ये कितना हो गया 4। तो इस तरह से अगर दो कंडीशन बनती हैं कि नंबर 1 से छोटा है तब n ऐसे निकालोगे और अगर आपका एक 9.9 से बड़ा है इससे पहले वाला जो रूल बताया, तो इस तरह से आपको सिग्निफिकेंट फिगर किसी दिए हुए नंबर पर क्या करना है दिखाना है किसकी बेस पर साइंटिफिक नोटेशन। तो इस तरह से मैंने अभी आपको सिंपल रूल्स बताए, सिंपल रूल्स हैं जो कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करते हैं। अब हम इसके बाद जो देखेंगे वो मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, ठीक है, इसी प्रकार एडिशन सब्सट्रैक्शन, इनमें कैसे डिटरमाइन करते हैं इनको हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा कि उसमें राउंड ऑफ रूल कैसे यूज होगा। तो पहले आप ये नोट कर लें, मेरा अगला वीडियो जो होगा वो इसी एडिशन सब्सट्रैक्शन और राउंडिंग ऑफ रूल से रिलेटेड होगा, उसको इसके बाद देखें तो आप इसे कंप्लीट कर लें। ओके, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।